मैं स्पष्ट बता दूं, मैं ना तो कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं, आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार हुलिया हुलिया देखकर लोगों को शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लियरिफाई करके चलता हूं कि मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिहारी आदमी हूं साहब, बिहार के आदमी उस विषय में भी टॉप कर जाते हैं जिसका नाम तक लेना नहीं आता। मैं चार लाइनें आपको और सुनाता हूं इस पकोड़ा सम्मेलन को, और हारे नहीं है मोदी तो चाय और पकोड़ा बेच भी लेंगे, राहुल पे मगर कुछ भी रोजगार नहीं। मोदी तो चाय और पकोड़ा बेच भी लेंगे, राहुल पे मगर कुछ भी रोजगार नहीं है। और राहुल से मुझे एक चीज अनायास ही याद आ गई, अभी हल्की हल्की गुलाबी ठंड है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। दुनिया और ये जितने भी कवि हैं साहब, दुनिया की निगाहों में नहीं हम तो खलेंगे। वो पकौड़ों को देखकर खुद को, चेहरा तो बहुत भोला है लेकिन उनका व्यंग बहुत कटीला होता है। वेद प्रकाश वेद जी का स्वागत कीजिए। आदमी ये बहुत लंबा था, वरना तो पहले पकौड़े खाता बाद में कविता सुनाता। अच्छा, इन्होंने कहा कि आते ही मैं कविता सुनाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले सबसे कविता नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कविता पढ़ी लिखी चीज है, जैसे MEd, BEd या और भी इंजीनियरिंग की हो, वो बेरोजगारी का काम है। बहुत अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया। मैं आपको सीधे सीधे रोजगार से जोड़ता हूँ। आपने बिटकॉइन का नाम सुना, आजकल बहुत चल रहा है। बिटकॉइन ऐसी चीज है कि वो है भी और नहीं भी और है भी। आपने पकौड़ा रोजगार का नाम सुना है, वो ऐसी चीज है कि वो है भी और नहीं भी और है भी। आपने मोदी के किए हुए कामों का नाम सुना है, अच्छा आप सब लोग स्टूडेंट लोग हैं, सब लोगों ने एतराज उठाया, हम क्या इसलिए पढ़ रहे लिख रहे हैं कि हम पकौड़े बनाएं? आपके माँ बाप ने भी उठाया होगा। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आप भी पकौड़े बेचो, आप पढ़े लिखे हो तो अखबार में रख के बेचो। अच्छा है, अच्छा है वीर भाई, बढ़िया है बढ़िया है। आपके पकौड़े भी पढ़े लिखे लगेंगे, और ज्यादा पढ़ लिख गए तो इंडिया टुडे या आउटलुक के कागज पर रख के बेचो। उससे भी ज्यादा पढ़ गए हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स मंगा लो, पकौड़े भी फॉरन रिटर्न लगेंगे। अभी पकौड़ों को लेकर कितनी बड़ी बात हो रही है यूपी में, पकौड़ों को लेकर नहीं, परीक्षाओं को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, नकल रोक रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब मोदी जी ने एक पकौड़ा मंत्र दे दिया तो क्यों तो योगी जी नकल रोक रहे हैं, और क्यों बच्चे नकल कर रहे हैं? पास हो गए तो भी पकौड़े, फेल हो गए तो भी पकौड़े। अब मान ले गरीब आदमी पकौड़े का ठेला लगाता है, जैसे ये लगा हुआ है, मैं खड़ा हूं सामने गरीब आदमी, आप में से कोई उधार खा के मेरा महीने भर का लेके चला जाए तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरा कौन लेके चला गया खा के, मैं कहूंगा यार वो विजय माल्या कौन था जो मेरा महीने भर का खा के चला गया। किसी ने मुझसे कहा कि आप इस मुद्दे पे मोदी जी के साथ हैं, मैंने कहा मैं बिल्कुल मोदी जी के साथ हूं पकौड़े के मुद्दे पर 2019 तक। बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि 19 के बाद क्या कांग्रेस आ जाएगी? मैंने कहा मत आओ कांग्रेस,
19 के बाद फिर मोदी जी आ जाए, मैं फिर मोदी जी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अमित भाई, मोदी जी की तो पहली प्राथमिकता है कि पहले कांग्रेसियों को भाजपा में लाओ, इसलिए मुझे सबसे पहले बुलाएंगे। अच्छा, जो आदमी मतलब आजकल आपको पता है आधे देश की हालत ऐसी है कि अगर वो डॉक्टर को फीस ना देना आदमी, तो डॉक्टर उसको मूंग की दाल भी खाने की सलाह ना दे। ऐसे में मोदी जी ने सबको पकौड़े खिला दिए। मैं खुद कभी तली हुई चीज नहीं खाता। मैंने अपनी घरवाली से कहा, आजकल पकौड़ों का बहुत जिक्र हो रहा है, आज पकौड़े खाने का मन है, तो वो लेके आई बना के, वो GST खाई थी पकौड़ी पतली पतली सी। मैंने कहा जैसे प्रेमियों को होते हैं ना, जैसे भक्तों को होते हैं ना नवरात्रे, ये प्रेमियों के नवरात्रे। रोज डे, टेडी बियर डे, ये डे, वो डे, फलाना डे, ढिमकाना डे। बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि डैडी बियर ना पिए तो टेडी बियर का खर्चा निकले। चौदह तारीख को उद्यापन है, कन्या भी मैकडोनाल्ड में जिमानी है। अच्छा, इसी बीच में हमारे बाबा रामदेव जी, पकौड़ों की इतनी चर्चा हुई कि उन्होंने सर का तेल ही बनाना बंद कर दिया, खाने का ही तेल बना रहे हैं। बोले काले केश के बिना काम चल गया तो काले केश के बिना भी चल जाएगा। मैं आपको बताऊं, बाबा जी चार पंक्तियां सुना देता हूं अंत में। भाजपा ने कहा पकौड़ों में रोजगार है, कांग्रेस ने कहा यह बात बेकार है। बीच में हर कार्यक्रम के प्रायोजक की तरह आकर बाबा रामदेव जी बोले, सवाल है ना बात बुरी भली का, चाहे तुम बनाओ चाहे तुम बनाओ, पर जब भी पकौड़े बनाओ तेल इस्तेमाल करना पतंजलि। लेकिन राजनीति में पकौड़े तलने का प्रसंग तो अभी आया है, अब उन्हें बुलाते हैं जो न जाने कब से भजिया तल रहे हैं। अच्छा, सबने देखा एक ही ओर, शंभू शिखर जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहां पे जितने भी कवि हैं उन सबके पास पकौड़े पर कविताएं हैं, मैं खुद पकौड़ा लगता हूं। और अच्छे दिन टाइम पर नहीं आए इसलिए थोड़ा जल गया हूं। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराबबंदी हो गई तो अब दिल्ली रहता हूं। चार लाइनें बिल्कुल अलग अंदाज में प्रस्तुत करता हूं, आप बस आनंद लीजिए। संसद से ले सड़क तलक मैं तुझको घुमा दूं, संसद से ले सड़क तलक मैं तुझको घुमा दूं, और चाय के कप में मैं तुझको कॉफी पिला दूं, और चाय के कप में मैं तुझको कॉफी पिला दूं। इस बार वैलेंटाइन डे पे रोज के बदले, इस बार वैलेंटाइन डे पे रोज के बदले, आ जाओ मेरी जान पकोड़े ही खिला दूं, आ जाओ मेरी जान पकोड़े ही खिला दूं। और यहाँ पे मोदी जी के विषय में तमाम तरह की बातें चल रही थी, मैं तो बस एक बात कहता हूँ, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें भाई कल को हार जाए कौन देगा, तब तक तुम। और पकोड़े का एक देखिए मैंने बिल्कुल अलग तरह से चित्रण किया है, आपको आनंद आ जाएगा सब जी, स्वाद आना चाहिए।
हंसने की आदतों से क्या बीमार नहीं है, हंसने की आदतों से क्या बीमार नहीं है, क्या राजनीति ऊंट पर सवार नहीं है। मोदी तो चाय और पकोड़ा बेच भी लेंगे, राहुल पे मगर कुछ भी रोजगार नहीं। मोदी तो चाय और पकोड़ा बेच भी लेंगे, राहुल पे मगर कुछ भी रोजगार नहीं है। और राहुल से मुझे एक चीज अनायासी याद आ गई, अभी हल्की हल्की गुलाबी ठंड है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। दुनिया और ये जितने भी कवि हैं साहब, दुनिया की निगाहों में नहीं हम तो खलेंगे, दुनिया की निगाहों में नहीं हम तो खलेंगे, वादों की चाशनी में साथ साथ चलेंगे। कह पाएगा कोई नहीं बेरोजगार अब, हम छोड़ कविताई पकोड़े ही तलेंगे, हम छोड़ कविताई पकोड़े ही तलेंगे। और जैसा यहाँ पे बात चल रही थी कि कोई कांग्रेस का कुछ एक लाइन कह दो तो कांग्रेस का आदमी भाजपा का आदमी, मैं स्पष्ट बता दूं, मैं ना तो कांग्रेस का आदमी हूँ ना मैं भाजपा का आदमी हूँ। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूँ, कई बार हुलिया हुलिया देखकर लोगों को शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लेरिफाई करके चलता हूँ कि मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिहारी आदमी हूँ साहब, बिहार के आदमी उस विषय में भी टॉप कर जाते हैं जिसका नाम तक लेना नहीं आता। मैं चार लाइनें आपको और सुनाता हूँ, इस पकोड़ा सम्मेलन को और ज़्यादा सुगंधित करता हूँ, इस पकोड़ों की खुशबू मेरे नाक तक पहुँच रही है, आप यकीन नहीं कर सकते मैंने कैसे अपने आप को रोका हुआ है। मिलेंगे सबको, मिलेंगे ना, यही कह के तो हमें इन्वाइट कर लिया था। आपको क्या लगता है हम पेमेंट पे आए हैं, पकोड़े पे आए हैं? चार लाइनें सुनिए। महंगाई खड़ी है हमारी बाह मरोड़े, महंगाई खड़ी है हमारी बाह मरोड़े, जख्मों पे नमक ये छिड़कती रोज सवेरे, जुमलों की है सरकारी या सरकार का जुमला, जुमलों की है सरकारी या सरकार का जुमला, अच्छे दिनों के तेल में है छाने पकोड़े, अच्छे दिनों के तेल में है छाने पकोड़े। और मैं एक चार लाइनें अंतिम सुनाता हूँ, उससे पहले मैं क्योंकि बिहार से आया हूँ और आज तक के इस कार्यक्रम में मेरी पहली यहाँ पे प्रेजेंस है। बिहार में पिछले दिनों जब सरकार टूटी तो लोगों ने कहा कि यह सरकार नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, लोगों ने कहा मोदी जी ने तोड़वा दिया, लोगों ने कहा अमित शाह ने तोड़ दिया, लेकिन यह सरकार टूटी क्यों? उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं, दारू के बिना। एक सीख बहुत अच्छे। और आखिरी चार लाइनों में एक अपील करना चाहता हूं साहब, कद नाप सकूं बात की वो सीढ़ी दिला दो। बात दरअसल इतनी लंबी होती है, पिछले दिनों मोदी जी गए थे नासा तो वैज्ञानिकों ने उन्हें दो मिसाइलें दे दी, बोले जी मैं क्या करूंगा, बोले सर आपको आदत है फेंक देना। कद नाप सकू बात की वो सीढ़ी दिला दो, जिसमें धुआं न निकले ऐसी भीड़ी दिला दो, जिसमें धुआं न निकले ऐसी भीड़ी दिला दो, हमको तो गैस मिल गई है उज्ज्वला से पर, हमको तो गैस मिल गई है उज्ज्वला से पर,
बेसन पे और तेल पे सब्सिडी दिला दो, बेसन पे और तेल पे सब्सिडी दिला दो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। स्वागत करता हूं, चूंकि बात पकौड़ों की चल रही है, अभी मोदी जी ने किताब लिखी है कि छात्र परीक्षा कैसे दें, अगली किताब उनकी आने वाली है पकौड़े कैसे तलें। देखिए वो बड़े व्यक्ति हैं साहब, वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, हम छोटे तो बस अमन की बात करते हैं। तो मैंने तो उनसे ही प्रश्न किया है कि पुराने नोटों के बदले नए नोट देते हैं, पुराने नोटों के बदले नए नोट देते हैं, किसी न किसी बहाने से चोट देते हैं, लफाजी की भी हद होती है साहिब, पकौड़े तलने के लिए क्या 600 करोड़ लोग वोट देते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूं साहब, आजकल बड़ी मुसीबत हो गई है कि आजकल जो लोग पकौड़ों की ठेल लगा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विरोधी पार्टी के हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अपने अरमानों को अब हम कैसी सजा देते हैं, हम भी चाय के साथ पकौड़ों का मजा लेते हैं। और आजकल असली पकौड़े वाले बहुत परेशान हैं, कांग्रेस ही समझकर पुलिस वाले उन पर लठ बजा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि साहब आजकल मोदी जी ने जो रोजगार दिया है हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम कवियों को भी रोजगार नहीं मिला होता कि तो आज क्या आज तक पर होते। तो मैं बात शुरू करता हूं कि हमने चैनल के गेट पर खड़े एक युवा को रोका, क्या तुमको नौकरी मिली, बस इतना सा टोका, क्या तुमको नौकरी मिली, बस इतना सा टोका। तो वह पास खड़ी ठेल को दिखाकर बड़ी गर्मजोशी से बोला, और उसने हमारे सामने एक बड़ा राज खोला कि सर आज मेरे मन की एक एक कली खिली है, कल ही मुझे मोदी जी के राज में पकौड़े तलने की नौकरी मिली है, कि कल ही मुझे मोदी जी के राज में पकौड़े तलने की नौकरी मिली है, कौन कहता है कि हमको छला गया है, ये ससुरा विकास तो पगला गया है, बड़े बड़े सिफारिशी अब हमारे आगे हाथ मलते हैं और अब हम बेरोजगार नहीं है, कहीं भी ठेल लगाकर पकौड़े तलते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं साहब, ये पकौड़े रखे हुए हैं, इस देश में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, कि भैया यह स्वतंत्र भारत है, भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहां खाने की सब में आदत है, विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने इसमें, और मुझे लगता है कि एक बार और तालियां उनके लिए इस पंक्ति के लिए होनी चाहिए। और अब मैं बुलाने जा रही हूं लठ जैसी कविता में रस जैसा स्वाद। चलिए बुलाते हैं उनको, आप भी क्या करेंगे याद, आइए शान हरियाणा अरुण जैमिनी जी। इस पकौड़ा सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। बिल्कुल नई कविता, क्योंकि पकौड़ा भी नया नया चल रहा है अभी, ये समझ लो ये मेरा ही ठेला है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जी हजूर, मैं पकोड़े बेचता हूँ, मैं तरह तरह के पकोड़े बेचता हूँ। इस पकोड़े ने कईयों की सत्ता हिलाई है, कईयों को बिना मेहनत के कुर्सी दिलाई है, ये पकोड़ा स्वराज का है, आप सही समझे ये पकोड़ा प्याज का है। आप सही समझे ये पकौड़ा प्याज का है, ये पकौड़ा सांप्रदायिक रंग में खिलखिलाया है, क्योंकि हमने इसमें बेसन में केसर मिलाया है। देखिए हमने क्या चतुराई अपनाई है,
हरे पालक पर केसरिया परत चढ़ाई है। देखिए हमने क्या चतुराई अपनाई है, हरे पालक पर केसरिया परत चढ़ाई है। ये पकौड़ा सजावटी है, ये पकौड़ा दिखावटी है, वो पकौड़ा जो उस बंडल में है वो आजकल मार्गदर्शक मंडल में है। वो पकौड़ा जो उस बंडल में है वो आजकल मार्गदर्शक बंडल में है। उधर देखो ये आलू का पकौड़ा गोभी के साथ जुड़ गया, कांग्रेस में था भाजपा की तरफ मुड़ गया, कांग्रेस में था भाजपा की तरफ मुड़ गया। ये जो इस पकौड़े ने कढ़ाई का सारा बेसन अपने साथ फेंट लिया है, ये जो इस पकौड़े ने कढ़ाई का सारा बेसन अपने साथ फेंट लिया है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्दन में मफलर लपेट लिया है। जो यहाँ पर पकौड़ा सम्मेलन हमने किया था, तो आप चाय भी पीजिए उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, पकौड़े खाइए उसकी भी कोई पार्टी नहीं होती है। मतलब पार्टी हो सकती है लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। कई बार, एक बार मैं गई थी चाय, मैंने कोशिश की कि चाय पर चर्चा करके, पता चला कि दूसरी पार्टी वाले उठकर चले गए, कहा कि आप लोग पक्षपात करते हैं। तो इसमें चाय की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, कॉफी की भी अभी तक हुई नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है उसका, पकौड़े भी फ्री हैं, आप खूब मन से खाइए और दिल के द्वेष को हटाइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबका भी, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि ये पिछली परफॉर्मेंस की है आपकी परफॉर्मेंस की। मोदी जी का एक बयान आ गया पकोड़े के ऊपर, अमित शाह जी ने एक बयान दे दिया, लेकिन उसके पहले मोदी जी ने कहा था ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, इतने सारे पकोड़े बनेंगे खाएगा कौन, इन्हें कौन खाएगा। तो विषय हैं, अलग अलग बातें हैं। वो तो मुझे याद आ रहा है, अमित शाह जी ने मोदी जी से कुछ कहा, प्रतिगीत के माध्यम से सुनाता हूँ, सुनिएगा। के बोले बोले मोदी से, बोले बोले मोदी से अमित शाह, बोले बोले मोदी से, ये खबर देश के कोने कोने दी, ये खबर देश के कोने कोने दी, हाँ कोने कोने दी, हो चल गई ठेल पकोड़े दी, वो चल गई ठेल पकोड़े दी, आलू भी होंगे गोभी भी होंगे, धनिए की चटनी के संग चाट खाएंगे, मिल बाट खाएंगे, अब बात नहीं है ज्यादा थोड़े दी, हाँ ज्यादा थोड़े दी, के चल गई, के चल गई, हाँ चल गई ठेल पकोड़े दी, हाँ चल गई ठेल पकोड़े दी, बोले बोले मोदी। तालियां बजाइए, मैं कुछ दूसरा याद करता हूँ। उत्तर कोरिया के किम जोंग कहते हैं मेरे पास बड़ा बटन रखा है परमाणु बम का, ट्रंप कहते हैं मेरे पास बड़ा बटन रखा है परमाणु बम का, इधर अमित शाह जी ने बयान दिया कि मेरे पास भी एक बम का बटन रखा हुआ है, पकौड़ा बम। विश्व पर जो तीसरे विश्वयुद्ध का साया मंडरा रहा है, इस बम से वो साया छट जाएगा, विश्व पर जो तीसरे विश्वयुद्ध का साया फैला है, इस बम पकौड़ा बम से वो साया छट जाएगा, हम उत्तर अमेरिका पर पकौड़ा बम फेंकेंगे, पकौड़े बरसेंगे, किम जोंग खाते खाते ही फट जाएगा। अच्छा दूसरी चीज मैं बताता हूँ, एक और याद आ गया, चढ़ी है कढ़ाइयां वे, चढ़ी है कढ़ाइयां वे, चढ़ी है कढ़ाइयां वे, तो आओ सारे पकौड़े बनाइयां वे, चढ़ी है कढ़ाइयां वे, तो मिलकर पकौड़े बनाइयां वे, पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, के पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, और टॉपर भी फांसियों पे लटके, बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर, हम मर गए घिस के रजिस्टर। तो मनरेगा के अब छोड़ हथौड़े, गरम गरम हम तले पकौड़े, और मिलकर खाइया वे, चढ़ी है कढ़ाइयां वे, चढ़ी है कढ़ाइयां वे,
चढ़िए कढ़ाइया वे तो मिलकर पकौड़े बनाइया। मैं कविता सुनाता हूँ आपको। राजनीति में पकौड़ों के सम्मान में अचानक आई वृद्धि को देख मैंने एक पकौड़े वाले से पूछा, लोकतंत्र के पकौड़े हैं तो खिलाइए, लोकतंत्र के पकौड़े हो तो खिलाइए, लोकतंत्र के पकौड़े हैं क्या भाई? उसने हमें मुंडी हिलाई, मैं घोर आश्चर्य में पड़ गया। खैर मजाक मजाक था, थोड़ा और आगे बढ़ गया। मैंने कहा केवल मुंडी हिलाकर हमें ना बहलाएं, पहले इन पकौड़ों को बनाने की विधि बताएं। उसने मुझे घूर कर देखा, ओहो शायद आप कवि हैं। मैंने कहा हम अनुभवी हैं। उसने एक ही सांस में मुझे लोकतंत्र के पकौड़े बनाने की विधि बताई, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वित्त मंत्री द्वारा हर साल बजट के कोहलू से जितना जनता का तेल निकाला जाता है उसे स्याह चुनाव की कढ़ाई में डाला जाता है। भगवा बेसन हरी मिर्च सोने के आलू सब्सिडी की अजवाइन, भाषण की सौंफ और राष्ट्रवाद का स्वादानुसार नमक डालकर एक घोल में मिलाया जाता है, फिर सांप्रदायिक दंगों की आंच से चूल्हा सुलगाया जाता है, और इस बात पर अगर आपकी प्रशंसा पंक्तियों को समर्थन मिलेगा तो कहीं ना कहीं कविता लिखने का मुझे हौसला मिलेगा। जैसे वोट बैंक की राजनीति में आदमी को आदमी से तोड़ा जाता है, ठीक वैसे ही चुनावी बयानों की तरह से ये घोल कढ़ाई में छोड़ा जाता है, मीडिया उसे धीरे धीरे पकाता है, तब जाकर ये लोकतंत्र का पकौड़ा बन पाता है। हमने कहा तो फिर खिलाइए। वो मुझे देखकर हंसा और बोला, जरा औकात में आइए। इसे पक्ष और विपक्ष के सारे नेता मिलजुल कर खाते हैं, आपके और हमारे हिस्से तो केवल झूठे ही पत्ते आते हैं। लेकिन कविराज आपके लिए मेरे पास पकौड़े हैं, बेशक वो ज्यादा नहीं हैं, थोड़े हैं। ऐसे पकौड़े गांव में मेरी अम्मा बनाती थी, दिन में 16-16 घंटे पकौड़े बेचा करती थी, तब जाकर कहीं मेरे कॉलेज की फीस जमा हो पाती थी। उसी पढ़ाई ने मुझे जीने का सलीका सिखाया है, अपनी अम्मा की ही तरह से मैंने स्वाभिमानी पकौड़ा सेंटर बनाया है। बाबू साहब आपके लिए मेरे पास लोकतंत्र का नहीं, हिंदुस्तानी पढ़े लिखे खुददार नौजवान के हाथों का वही पकौड़ा है जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर कभी इस देश को नहीं तोड़ा है, हाँ तिरंगे की तरह एक दिल को दूसरे दिल से जरूर जोड़ा है। लीजिए कविराज मेरी तरफ से एक पत्ता पकौड़े का खाइए, लेकिन भगवान के लिए किसी स्वाभिमानी का मजाक मत उड़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।